यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भीषण युद्ध ने उन भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है जिनके बच्चे वहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही बालोद जिले की एक बेटी यूक्रेन से घर वापस लौट आई है और उनकी वापसी से पूरा परिवार बेहद खुश है। यूक्रेन देश के लबीब में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही श्रेष्ठा नायर काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद अब वापस आ चुकी हैं। बालोद जिले के दल्ली राजहरा की रहने वाली श्रेष्ठा नायर दल्ली राजहरा नगर के पालिका अध्यक्ष शिबू नायर और कांग्रेस नेत्री संगीता नायर की बेटी है। घर आने के बाद जहां उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली है, श्रेष्ठा ने बताया कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई रात जागरण भी करनी पड़ी। युद्ध का सायरन बजने के बाद उन्हें बंकर में जाकर रहना पड़ा, फिर युद्ध बढ़ने के बाद पोलैंड बॉर्डर पहुंचे। काफी दिक्कतों के बाद श्रेष्ठा वापस आ पाई। बेटी श्रेष्ठा के लौटने पर माँ अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही उन माताओं के लिए भी चिंता जाहिर करते दिखे जिनके बच्चे अभी भी विदेश में फंसे हुए हैं। उन्होंने उनके जल्दी लौटने की मनसा भी जताई। मैं लवीव में थी और वहाँ तो खतरा कम था, लेकिन हम लोगों को बोल दिया था कि अगर सायरन सुनाई देता है तो बंकर में जाके रहना है। और जैसे पहले तो कीवर खारकीव से शेलिंग से स्टार्ट हुआ था, तो अगले जैसे 24 मॉर्निंग हुआ था तो सायरन बज गए थे और अनाउंसमेंट हो गया था कि पानी वगैरह लेके जमा कर देना है, और अगर कोई जैसे गैप में सायरन बजता है तो बंकर में चले जाना है। तो फिर बोले कि अगर आप वहाँ बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं तो फिर एक सर के थ्रू हमने बस अरेंज की थी और कैब किए थे और बच्चे बॉर्डर पे पहुँचे थे और वहाँ बहुत भीड़ थी और वो बॉर्डर पार करने में बहुत देर लगा। डेफिनेटली वहाँ हो पेरेंट है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसा मेरी बेटी मेरे पास आई तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सेफ हो गई मेरी बच्ची, उतने उस मुसीबत से बाहर आई है। तो मैं चाहूंगी कि दूसरे मम्मी लोगों के भी बच्चे बहुत जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचे, सारे बच्चे सेफ हो जाए। जो फील मैं आज कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि बाकी मम्मी लोगों भी वही फील करें, उनके बच्चे जल्दी से उनके पास पहुंचे। मैं लवीव में थी और वहाँ तो खतरा कम था, लेकिन